हेलो एवरीवन, ये चंडीगढ़ से जब मैं वापस आई थी ना, मतलब मैं जब 13 तारीख को चंडीगढ़ पहुंची थी, ये वापस आने के बाद की पहली क्लिप है। ये 18 तारीख की क्लिप है। मैं 18 तारीख को ही पहुंची थी घर पे, 18 मार्च को। मैंने कोशिश की कैमरा उठा के मैं आपसे कुछ कह सकूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। और यहाँ मैं आपको फ़ोटो दिखा रही थी मेरे भाई का। आप लोगों ने फ़ोटो तो खैर बाद में मांगा था, लेकिन मैंने आते के साथ सामने से आपको दिखाया था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल भी तब ठीक नहीं थी, अब थोड़ी स्टेबल हूँ, इसलिए वॉइस ओवर ठीक से कर पा रही हूँ। कोशिश ज़रूर की फ़ोन लेके आपसे बात करूँ, पर मैं नहीं कर पा रही थी। ये 18 तारीख को जब मैं यहाँ पहुँची थी ना, उसी दिन का वीडियो है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो सब लोग मेरे भाई को देखना भी चाहते थे। तो यहाँ साइड पे मैं भैया के फ़ोटो लगा रही हूँ। सब कुछ सब आप मिल लीजिए। ये थे मेरे भैया। मेरा एक ही भाई था, वो आपको मैंने बता ही दिया। तो मेरे जो दिन रात हैं वो कुछ इस तरह से जा रहे थे। 18 और 19 तारीख मेरी बहुत ही ख़राब गई है। ये वो फ़ोटो है जिसमें मेरा भाई होली के दिन गुजिया बना रहा था। आप सोचो, वो गुजिया बना रहा था मेरी बहन के घर पे आके, गुजिया तल रहा था। ये फ़ोटो देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है गाइज़। मैं जब भी देखती हूँ ना, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि 19 तारीख का क्लिप है। और जब भी मैंने कोशिश की मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं कैमरा लेके, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मैं ओवरकम नहीं कर पा रही थी। कांस्टेंट विवेक और बच्चे ट्राई कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा बेटर फील करूं, लेकिन उसका चेहरा मेरी आँख से नहीं जा रहा था। जब मैंने उसके अंतिम दर्शन किए थे, वो मेरी आँख से नहीं जा रहा था। तो आप लोग सब भाई को मिलना चाहते थे, तो ये फ़ोटोज़ मैंने यहाँ लगा दिए हैं, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं कम्युनिटी पे भी भाई के फ़ोटो लगा दूँगी, आप सब देख लेना मेरे भाई को और मुझे बताना। मेरे जैसा ही दिखता था ना वो। उसके जो नैन नक्शे हैं, अगर आप ध्यान से देखें ना, उसके लिप्स, उसकी नोज़ काफ़ी हद तक मेरे जैसी थी। घर में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी उसकी और मेरी ही थी गाइस। गाइज एवरीवन, एंड अभी आज रात का टाइम है। मेरी एग्ज़ाम्स, 3 एग्ज़ाम हो चुकी है, 2 बाकी है। एंड मम्मी पापा को आए कुछ समय हो गया। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ या मैं कुछ बता दूँ, बिकॉज मम्मी तो आ ही नहीं पा रही है कैमरा पे। एंड बहुत दुख में, अचानक से रो पड़ती हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। देन फिर मेरी जो दूसरी मौसीज है, वो लोग, मेरी और 2 मौसी हैं, तो वो लोग तो बहुत ओवरकम कर रहे हैं सिचुएशन को। वो लोग तो अब स्ट्रांग हो गए हैं, बट मम्मा अभी भी वीक हो रखी है। मम्मी को बस मतलब एक ही दुख रहता है कि उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई थी मम्मी की, और उनसे मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं, रिलेशन नहीं थे। एंड उस वजह से वो बिना बात करे चले गए मम्मी से। और मम्मी इतनी दुख में रहती है, बहुत दुख है, वो बहुत दुख है, बहुत दुखी है मम्मी, बिकॉज उनको बहुत ही रो पड़ती है। एंड अभी भी बहुत दुखी है, अभी भी इतना रोया है आपके घर पर, बहुत रोया है वो, बिकॉज अभी था जिसने उनको कपड़े पहनाए और चादर उड़ाई। एंड जब भी उसे याद आता है वो बहुत रोता है। एंड मम्मी, मम्मी का तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, हाल इतना रोती है। नानी नानू को समझाना पड़ता है, नानी नानू उनको फोर्स कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि इसको बोलो कि भाई काम में इंडल्ज हो जाए, ज़्यादा ध्यान ना दे इस बातों पर। फिर अब 1-2 दिन से थोड़े पापा के फ्रेंड्स हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो आके मम्मी को मिलते हैं। अभी आज ही एक अंकल आए थे अपने, मतलब एक अंकल और आंटी आए थे, तो वो लोग कितना 3 से 4 घंटा बैठ के गए, तो मम्मा को बहुत अच्छा लगा। और ऐसे कोई आता है ना तो मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उससे मम्मी को भी अच्छा रहता है एंड हमें भी अच्छा लगता है कि चलो मम्मी का माइंड डाइवर्ट हो गया और मम्मी एकदम ऐसे तब नॉर्मल बिहेव करते हैं। बट मम्मी की हालत इतनी बुरी हो गई, मैं क्या बताऊँ। और मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, मैं 2-3 दिन पहले मम्मी को डांट भी रही थी कि मम्मी बहुत गिल्ट ले रही थी कि मैं नहीं मिली। मैंने कहा मम्मी आपकी गलती नहीं है, मतलब आप ही सिर्फ नहीं मिली, आप चंडीगढ़ तक गई, मामा वहाँ पे मतलब कामों में बिजी थे, अगर वो चाहते तो काम छोड़ के आ सकते थे आपको मिलने, बट फिर भी वो नहीं आ पाए। तो वो बहुत उनका काम था उस दिन, बट ही कुड हैव का। सो मैं भी मम्मी को यही बोल रही हूँ। एंड मैं इतनी नॉर्मल क्यों लग रही हूँ, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं थी, बट मुझे दुख है दुख, बट मैं उनसे क्लोज नहीं थी, इसलिए इतनी नॉर्मल भी लग रही हूँ। और मैं वहाँ गई भी नहीं हूँ ना चंडीगढ़ में, मैंने वहाँ का माहौल नहीं देखा, मैंने देखा नहीं कि लोग सब कितने रो रहे हैं।
इसलिए मतलब ऐसा होता है ना कि अपनों को देख के अपना भी मतलब ऐसे रोना निकल जाता है नॉर्मल, बट मैं नॉर्मल हूँ। और अभी और मम्मी थोड़े ऐसे हैं, अभी ज़्यादा नहीं बट मम्मी, बिकॉज मम्मी के वो भाई थे, भले ही अभी इतने ज़्यादा रिलेशन नहीं थे बट जब बचपन में वो कैसे थे, मम्मी की तरह थे वो एकदम। वो बचपन में मम्मी को ना कभी बहुत गुस्सा आ जाता था तो मार पिटाई कर, मतलब ऐसे बचपन में छोटे छोटे पता है झगड़ा हो जाता है तो मार देते हैं, तो उसके एक डेढ़ घंटे बाद मम्मी के पास आके, जब मम्मी सो जाती थी ना तो मम्मी के पास आके सो जाते थे चिपक के, और उनको रिग्रेट होता था कि मैंने क्यों मारा या मैंने क्यों डांटा। और वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थे मम्मा की तरह ही, वो डॉगीज़ को जैसे मम्मी बहुत प्यार करती वैसे वो भी करते थे, उनको भी बच्चे बहुत प्यारे थे, मम्मा को भी बहुत प्यारे हैं। तो ये सब जब मम्मी याद करती है ना बचपन, तो बहुत मम्मी को दुख होता है, मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड आप लोग को बस मैं यही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब मम्मी ने तो कमेंट्स के रिप्लाई कर ही दिए थे पापा के साथ मिलके, उस दिन मैं वहीं बैठी थी बट मैं कॉर्नर पे थी। बट बस यही कहना चाह रही हूँ कि वो व्लॉग में नॉर्मल दिख रही है बट वो है नहीं, बिकॉज हम 24 आवर्स कैमरा ऑन नहीं रखते। हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ओवरकम कर गई सिचुएशन को, भले ही दुख होता है, किसी को भी होता है। अब जब पापा को फरवरी में इतनी बड़ी बीमारी हुई थी तो मम्मी के सामने नहीं रोई थी, बिकॉज मुझे मम्मी को स्ट्रांग रखना था। बट मैं नानी के साथ बात करते रहते बहुत रोई थी एक दिन, और मैं उसके बाद मतलब मैं उस टाइम पर कैमरा भी नहीं रोई थी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्ट्रांग दिखना पड़ेगा तो ही मम्मी स्ट्रांग रह पाएगी। और इसीलिए मम्मी भी मतलब स्ट्रांग रहने की कोशिश करती है, बिकॉज उनके पेरेंट्स को मम्मी को स्ट्रांग रखना है, क्योंकि नानी तो नानी का तो हाल मैं क्या बताऊँ मैं। तो इसीलिए मम्मी भी नॉर्मल सी आती है कैमरा पे, भी ज़्यादा यू नो दिखा नहीं पाती। और यही पर्पज़ था वीडियो बनाने का, कि मतलब मुझे आप लोग को अपडेट देना था, और दूसरा कि मैं आपको बताऊँ कि आप मम्मी को समझाओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज़ पूरा दिन, ये तो मैं बताना ही भूल गई, पूरा दिन मम्मी लगी रहती है एंड पूरा दिन मम्मी बस मामा जी के फ़ोटोज़ देखती रहती है, और मौसी के पास से ना एक मामा का वीडियो ले आई है, वो बार बार उसे ही देखती रहती है और कुछ देख ही नहीं रही है। तो काम में ही मन नहीं लग रहा, हमने भी बहुत समझाया, नाइना ने भी बहुत समझाया, इसलिए अभी वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू करा है उन्होंने। तो बस मैं आपको यही कहना चाहती थी कि जो लोग मम्मी को प्यार करते हैं वो लोग प्लीज़ समझाइए मम्मी को कमेंट सेक्शन में, कि थोड़ा अब मुझे पता है इट्स डिफ़िकल्ट, भाई था बट यू नो आगे ओवरकम करना ही पड़ता है, एंड दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि आपके लाइफ में आपका लव्ड वंस एक ना एक दिन जाना ही है, वो एक दिन आता ही है, जैसे अभी आ गया, एंड वो दिन पे आपको ठीक है थोड़ा दिन हुआ दुख, थोड़े दिन आप रो लिए बहुत रो लिए, पर उसके बाद धीरे धीरे यू नीड टू ओवरकम। आप जो आपके साथ लोग हैं उनके साथ आप रहकर ज़्यादा अच्छा फील करें, कि इतने लोग तो है मेरे पास, इतने सारे लोग तो है। मैं आपको बताऊँ नानू इतने स्ट्रांग है ना, वो अभी तक एक भी बार नहीं रोए, मम्मी को उनकी भी बहुत फिक्र हो रही है, अभी तक एक भी बार नहीं रोए वो, उनका मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर था मामा के लिए, एंड अभी तक वो एक भी बार नहीं रोए। और वो बस यही कहते हैं कि मेरे इतने सारे तो बच्चे हैं, मेरे बच्चों के ही बच्चे हैं, एक चला गया तो क्या हो गया। तो वो इतना स्ट्रांग रह रहे हैं, उनको पता है उनके बच्चे ऐसे बच्चे जो रोते रहते हैं पूरा दिन मम्मी की तरह बुरे तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो बच्चे स्ट्रांग, मैं मेरे बच्चों के लिए स्ट्रांग रहूं, मैं बच्चों को हिम्मत दूं, इसलिए वो उन्होंने एक आंसू भी नहीं निकाला, इतने वो मेंटल उनका विल पावर स्ट्रांग है। मतलब ये तो पापा भी शौक गए देख के वहाँ पे, बट मेरा यही मोटिव है कि आप बस मम्मी को समझाओ थोड़ा कमेंट सेक्शन में, एंड मुझे आप लोग को अपडेट देना था। आप लोग बस यही विश, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ये विश करें कि उनकी सोल को बस भगवान जी हेवन में पहुँचाए, और वो बहुत सुखी से बहुत पीस में आगे रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। एंड थोड़ा इनको भी समझा दो कि ये थोड़ा ज़्यादा ओवरकम करे, अब थोड़ा नॉर्मल फील करे, एंड थोड़ा अपना मन डाइवर्ट करें, अपना माइंड डाइवर्ट करें। बस इतना ही बोलूँगी एंड मैं जा रही हूँ, बाय।